पहनने में उसको मज़ा आ जाता है, वो दूसरा एक सकाफत है बलोची कल्चर का। ये चप्पल कंफर्टेबल भी होती है, उसके अलावा सिंधी बलोच ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। लाइट हाउस घूम के आया हूँ मैं, तारिक रोड घूम के आया हूँ मैं, सदर घूम के आया हूँ, मगर यहाँ पर जो रेट मिले ना वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। सस्ते अच्छे और पायदार चीज़ आपको गरीबशाही में ही मिलेंगे। यूँ तो मेरा ताल्लुक कराची से है, मगर ईद के मौके पर पेशावरी चप्पल को इस्तेमाल करना मैं अपने लिए ज़रूरी समझता हूँ। मैं हूँ दानियाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरीब शाह मार्केट लियारी में, कि जहाँ पर पेशावरी और बलोची चप्पल बड़ी तादाद के अंदर फ़रोख की जाती है। कराची वाले ईद के मौके पर पेशावरी और बलोची चप्पल का इस्तेमाल क्यों करते हैं और उनकी मकबूलियत के अंदर क्यों कर इजाफा हो रहा है, आइए चलकर जानते हैं। सर, ईद के मौके पे बिलखसूस पेशावरी चप्पल ख़रीदारी के लिए हैं, कितना आरामदेह पहनने के अंदर, क्यों पेशावरी चप्पल का इस्तेमाल करते हैं कराची वाले? असल में भाई, इसमें जो ना सबसे पहली बात है, इसमें मजबूती है, थोड़ा ज़्यादा चलता है असल में, और ये हमारे बलोची कल्चर में भी है, और आजकल जो ना ईद के सीज़नों में आजकल हमारे बच्चे हम खुद माशाल्लाह से ये बहुत शौक से पहनते हैं। असल में पहनने में उसको मज़ा आ जाता है, वो दूसरा एक सकाफत है बलोची कल्चर का। बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, पेशावरी चप्पल पख्तून कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चप्पल कंफर्टेबल भी होती है, उसके अलावा सिंधी बलोच ज़्यादा यही यूज़ करते हैं, लियारी वगैरह के लोग, उसके अलावा जो है ना ये 2-4 साल निकल जाती है। इन चप्पलों में ये खासियत है कि वो अपने सकाफत को उजागर करते हैं, अपने ट्रेडिशनल जो इनके शूज़ वगैरह होते हैं उनकी अपनी डिज़ाइनिंग होती है ना, कौमी डिज़ाइनिंग। चप्पलों के नस्बत कितना फ़र्क होता है, जो पेशावरी चप्पल हो या बलोची चप्पल हो, पहनने में किस हद तक आरामदेह होता है, जो दूसरे भी ज़रा डिज़ाइन की चप्पलें बाज़ार में मिल रही होती हैं, तो इससे मुख्तलिफ क्यों है, आप इसको क्यों ख़रीदते हैं? इसमें कि ये कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा ये बलोची कल्चर है, ठीक है, और इसमें जो है एक तो आजकल जो ना नए डिज़ाइन आए हुए हैं ये जो लगे हैं ऊपर। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पायदारी की बात तो आप किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं ले सकते ना, डिपेंड करता है इस्तेमाल के ऊपर कैसे आप इसको इस्तेमाल करते। कुछ लोग इवेंट्स पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग रोज़ाना उसको पहनते हैं, तो पायदारी पे फ़र्क जाहिर सी बात है आ जाता है। काफ़ी कंफर्टेबल है, क्वालिटी के हिसाब से होती है। यहाँ पर देखिए, मैं खुद बाहर से आया हूँ गरीब शाह शॉपिंग करने, और यहाँ पर रेट बहुत मुनासिब है। मैं लाइट हाउस घूम के आया हूँ, मैं तारिक रोड घूम के आया हूँ, मैं सदर घूम के आया हूँ, मगर यहाँ पर जो रेट मिले ना वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। सस्ते अच्छे और पायदार चीज़ आपको गरीबशाही में ही मिलेंगे। यहाँ की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ चीज़ थोड़ी अच्छी मिलती है बाकी की मार्केटों से, जैसे हपचो की और यहाँ की जो है ना गरीबशाही की मार्केट थोड़ी ऊपर है, इनके प्राइस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ की चीज़ें भी फ़र्क है, यहाँ की चीज़ें अच्छी हैं। देखो, कीमतों में तो आपको पता है डील होती है, बड़ी डील होती है, तो कीमत तो सबके नॉर्मल होते हैं, सिवाय ब्रांडेड जो फ्रेंचाइज होते हैं उनमें कीमतें आपको हाई मिलेंगी, वैसे यहाँ पे नॉर्मल है ज़्यादातर। बलोची चप्पल आमतौर पे पहनने में गर्म तो नहीं होता कि पाँव में, गर्मी में कराची में गर्मी पड़ती है, कोई दाने वाने नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गर्म नहीं होते। हमारे बलोचिस्तान में जाके देखो, गर्मियों में सर्दियों में यही पहना हुआ होता है जी, कराची में भी पहनते हैं लोग, बिल्कुल गर्म नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, माशाल्लाह बराबर होता है, जो आदि होते हैं पहनने के। कुछ लोग तो सॉलिड पहनते हैं, नरम वाले, फोम वाले, उनका तो अलग है, हम लोग तो पहनते हैं माशाल्लाह।